हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी सूजी की केक, और ये मैं आज एगलेस बनाने वाला हूँ। और ये बहुत ही सिंपल एंड इजी तरीका में मैं आज बताने वाला हूँ, और जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें यूज़ करूँगी वो बहुत ही कॉमन एंड सभी के घर में अवेलेबल रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले मैंने इधर एक बाउल में बड़ा वाला कप से एक कप सूजी लिया हूँ, और छोटा वाला कप से एक कप चीनी, और एक कप दूध दे के मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। और मिक्स करने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट में रख दूंगी, लगभग 15 या 20 मिनट तक। तो तब तक मैं इधर केक टिन को तैयार कर लूँगी। तो मैंने इधर एक एल्यूमिनियम का केक टिन लिया हूँ, और केक टिन में ऑयल दे के, और मैंने इधर ऑयल रिफाइंड ऑयल यूज़ करी हूँ। ऑयल दे के मैं अच्छी तरह से केक टिन में चारों साइड अच्छी तरह से ऑयल को ग्रीस कर लूँगी। करने के बाद मैं उस केक टिन के हिसाब से एक जो न्यूज़पेपर होता है ना नॉर्मल सा, वो न्यूज़पेपर में राउंड शेप में कट कर ली थी, फिर उस न्यूज़पेपर को बैठा दिया, बैठा के और एक बार ऑयल दे के उसको अच्छी तरह से मैं ग्रीस कर लिया। फिर उसके बाद मैं और एक पेपर को, न्यूज़पेपर को उस राउंड शेप में कट कर लिया। तो दोनों न्यूज़पेपर मैं केक टिन में बैठा के अच्छी तरह से ऑयल दे के इस तरीके से ग्रीस कर लिया। फिर हम लोगों का केक टिन रेडी हो चुके हैं। तो केक टिन हमारा रेडी हो चुके हैं। तो मैंने इधर जो सूजी, चीनी और दूध का मिश्रण हम लोग करके रखी थी वो 15-20 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं बड़ा कप में हाफ कप जैसा मैदा लिया हूँ, वो मैदा मैं इसमें ऐड करूँगी, फिर मिक्स करते जाऊँगी। तो मैदा ऐड करने के बाद मैं थोड़ा मिल्क ऐड किया, ऐड करने के बाद मैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और सारी मैदा मैंने एक साथ नहीं दिया, थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐड करते गया, फिर मिक्स करते गया, तो इस तरीके से। और दूध मेरा और नहीं लगा, बस थोड़ा ही लगा है, क्योंकि पहले मैं दूध दे के सूजी और चीनी में मैं दूध दे के उसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दी थी, तो उस दूध में ही मेरा काम चल गया। फिर थोड़ा दूध और लगा, तो इस तरीके से मेरा बटर बना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी एक चम्मच बेकिंग पाउडर और हाफ चम्मच बेकिंग सोडा। फिर इन दोनों चीज़ों को मैं और एक बार अच्छी तरह से इन्वर्टर के साथ मैं इस तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो मिक्स करने के बाद मैं लास्ट में इसमें ऐड कर रही हूँ एक चम्मच वेनिला एसेंस एंड एक कप, छोटा वाला कप में एक कप रिफाइंड ऑयल। फिर इन दोनों चीज़ों को मैं दे के अच्छी तरह से और एक बार इसको मिक्स कर लूँगी। तो केक का बैटर हमारा परफेक्ट बन चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। तो अब मैं केक टिन में इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो इस बैटर को केक टिन में ट्रांसफ़र करने के बाद मैं केक टिन को थोड़ा टैप कर लूँगी, इसमें जो एयर्स वगैरह रहेगा वो सारे निकल जाएगा। और मेरे पास थोड़ा चेरी थे, तो चेरी को मैं इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े कर लिया, और फिर केक का बैटर के ऊपर मैं इस तरीके से डाल दूँगी। इसमें दिखने में भी और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा केक। तो केक का बैटर तो कम्प्लीट हो चुके हैं कुक होने के लिए। और इधर मैंने गैस में 10 मिनट पहले कढ़ाई को फ्री हीट होने के लिए दी थी, और कढ़ाई के अंदर एक मैं पतीला रख दी थी। तो कढ़ाई फ्री हीट हो चुके हैं। अब मैं इसमें केक टिन को बैठा के इसको ढक दूंगी लगभग 30 या 45 मिनट तक। तो 45 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए दिखाते हैं केक कैसा कुक हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो केक कितना अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। और मैं टूथपिक दे के चेक कर रही हूँ, तो टूथपिक पूरा क्लीन निकल गया, तो केक बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। तो चलिए गैस बंद करके इसको थोड़ी देर ठंडा कर लेती हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं इसको थोड़ी देर ठंडा कर लिया, फिर मैं इसका साइड को मैं छुड़ा लूँगी इस तरीके से नाइफ से। इसमें केक छोड़ने में बहुत ही आसानी हो जाएगा। तो उसके बाद मैं इस केक टिन के ऊपर एक प्लेट बिठा के केक टिन को इस तरीके उल्टा कर लिया, और केक टिन के ऊपर मैं थोड़ा टैप करके इस तरीके से केक टिन को मैं डीमोल्ड कर लिया, आई मीन केक को केक टिन से डीमोल्ड कर लिया फिर इस तरीके से। तो आप लोग देख सकते हो केक कितना सुंदर बन के रेडी हुआ है, और बहुत ही सुंदर दिख रही है, और खाने में भी बहुत टेस्टी एंड यम्मी बनी थी। आप लोग खा के नहीं विश्वास करोगे कि ये सूजी का केक है, और कितना सॉफ्ट और स्पंजी भी बना है। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना, और रेसिपी अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।